जब दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। ऐसा ही कर दिखाया मध्य प्रदेश की एक बेटी प्रियांशी ने। प्रियांशी के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। पारिवारिक हालात अच्छे न होने के बावजूद प्रियांशी ने अपने हौसलों को बुलंद रखा। बुल्गारिया में हुई विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन की प्रियांशी ने भारत का नाम रोशन करते हुए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की और कांस्य पदक अपने नाम किया, जिसके बाद उज्जैन में कुश्ती संघ एसोसिएशन द्वारा बेटी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। इसका नाम हो, कोई भी बच्चा कहीं का भी हो, एक दूसरे उसको जबरदस्त मदद करते हैं और यही कारण है कि हमने इसमें प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की कि आमतौर पर गद्दे की कुश्ती में एक आधा अखाड़े में गद्दे रहते थे, आप अपने सारे अखाड़ों के अपने गद्दे देने का प्रयास किया। कोई अखाड़े अगर इसमें छूटते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर एक किसी को, ये सब अखाड़े हमारे, सारे बच्चे हमारे, और इसी का कारण है कि ये जो अपनी बच्ची को भेजने का विषय भी आया तो बच्चों की इसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी पूरी उज्जैन के सारे अखाड़ों में सबने मदद करके भिजवाने का प्रयास, और लगभग 2 लाख से ऊपर की राशि अपनी तरफ से दे करके वहाँ बुल्गारिया भेजने का प्रयास हुआ और बुल्गारिया में जाने का परिणाम ये निकला। प्रियांशी भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में BPAS का कोर्स कर रही है। पहलवान प्रियांशी पिछले 11 वर्षों से कुश्ती में रुचि रखती हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत भी की है। अभी अनुभव तो अच्छा रहा वहाँ पर, बट अभी बहुत पीछे हूँ, तभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बाकी मैं भी और अभी चाहती हूँ कि मैं और प्रैक्टिस करूँ और मेहनत करूँ और नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँ। और वहाँ पर मेरी फ़ाइट, फर्स्ट फाइट कजाकिस्तान, फिर यूक्रेन और जापान से मेरी फ़ाइट लॉस हो गई थी। उसके बाद मेरी ब्रॉन्ज की फ़ाइट मंगोलिया से हुई थी, फिर मैंने मंगोलिया से जीत कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सहयोग सबका रहा, पूरे उज्जैन कुश्ती फेडरेशन का, सबसे ज़्यादा उज्जैन और मेरे फादर और हमारी एकेडमी MP एकेडमी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तभी मैं इतना आगे खेल पाई। मजदूरी का काम करने वाले की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया, जिसके बाद उज्जैन में उत्साह का माहौल बना हुआ है और हर कोई प्रियांशी पर प्राउड कर रहा है। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।